हेलो एवरीवन, वी शो वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड टू योर लविंग फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब बढ़िया से चल रहा होगा। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ जो लोग बहुत मुसीबत भरे टाइम में किसी से उधार लेते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो उधार देना भूल जाते हैं, वापस करना भूल जाते हैं, उधार की रकम वापस करना भूल जाते हैं। ये लोग कैसे सो पाते हैं मुझे नहीं पता। ये लोग अपने किसी खास से पहले तो उसका विश्वास जीतकर उस विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं, उनके हक का पैसा उधार के रूप में लेते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाने पर भी, सक्षम होने पर भी पैसा रिटर्न नहीं करते। तो मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आते हैं और किस नीयत से ये किसी के हक का पैसा मार लेते हैं और इन्हें नींद भी कैसे आ जाती है। ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली लाइफ में मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं जो वो कभी रिटर्न भी नहीं मांग पाए अपना पैसा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाई, उनकी शराफत उनको अलाउ ही नहीं करती कि वो अपना ही पैसा मांग लें। अपना ही पैसा नहीं मांग पाता बंदा। मैं भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ और ऐसी घटिया लोगों की वजह से जिन्हें जेन्युइनली ज़रूरत होती है, हम उन लोगों पे भी भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे ही घटिया लोग उनका विश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी के विश्वास का फ़ायदा उठा के अपना उधार ले लेते हैं और जब वो सक्षम होते हैं उसके बाद भी वो रिटर्न करने का, अपनी तरफ से पैसा रिटर्न करने का नहीं करते, इच्छा ही नहीं होती उनकी देने की और वो पैसा कहीं ना कहीं मार के बैठ जाते हैं। यहाँ मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जो उधार लेते हैं और समय से वापस भी करते हैं। ये प्लीज़ उनके लिए नहीं है क्योंकि ये कंडीशन सबके साथ ही होती है। कभी ना कभी जीवन में सबको उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में, मुसीबत में हमें किसी ने मदद की है और हम उसके विश्वास को तोड़ दें। क्योंकि उसी घटिया हरकत की वजह से जब जेन्युइनली किसी को ज़रूरत होती है ना, तो विश्वास नहीं मिल पाता और विश्वास हो भी नहीं पाता। तो प्लीज़ आप ऐसा कभी किसी के साथ मत कीजिए। अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको लगता है कि आपका समय ठीक हो गया है, चाहे वो आप थोड़ा लेट दे दीजिए, लेकिन आप किसी का प्लीज़ पैसा मत मारिए। ये बहुत हर्ट करता है किसी को। मैंने ही लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे ऑफिस में एक बंदा था, मेरे साथ ही काम करता था वो बंदा, और जब वो मेरे साथ काम करता था तो एक बार सडनली उसका फ़ोन आया। मेरे सीनियर थे वो, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे सीनियर थे वो। आई होप अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो शायद उन्हें अजीब लगे देखकर। मेरे को फ़ोन करते हैं बंदे और फ़ोन पे मेरे को बोलते हैं कि मेरी मम्मी को कैंसर हो गया है और आई अर्जेंटली नीड 1 लाख रुपीज़। देन आई सेड कि सर मैं इतना तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आई नो समवन हु कैन हेल्प यू आउट, और वो सिक्योरिटी पे लोन भी देते हैं। तो अगर आपको इतना अमाउंट चाहिए तो मैं इतना तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं आपकी हेल्प आउट करवा सकती हूँ किसी और के थ्रू। क्योंकि जैसा वो मुझे बताते थे, मेरी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इतना वेल सेटल्ड हूँ, ये है वो है, तो मुझे लगा कि छोटा मोटा लोन ठीक है, टेक इट। तो उन्होंने, मैंने उनको बोला तो उन्होंने थोड़ा डिनाई किया कि नहीं मुझे, मैं इतना नहीं लूँगा, जो भी थोड़ा बहुत तुमसे बन रहा है मुझे कर दो, मैं इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहता, जो भी तुमसे थोड़ा बहुत बन रहा है वो कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको 15,000 आपको, मैं अभी जैसा आप मम्मी की कंडीशन बता, कंडीशन को देखते हुए मैं आपको अर्जेंटली इतना भेज रही हूँ, बाकी आप ट्राई करो, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैंने उसको दे दिए उस बंदे को। और मुझे थोड़े टाइम पर, एक्चुअली उन्हें ड्रिंक करने की आदत थी, ये भी मुझे बाद में पता चली क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उनकी पता नहीं थी। लेकिन जब मुझे थोड़े कोलीग्स से जब मेरी बात हुई तो मुझे पता चला वो उस चीज़ का यूज़ टू था। वो बंदा सबका ऐसे ही विश्वास जीत के सबसे ही ऐसे कुछ ना कुछ बहाना बना के ऐसे ही उधार लेता था और उसने कभी किसी को रिटर्न नहीं करा। मैंने उसको कितना मैसेज भी करा, सडनली उसने जॉब छोड़ी, मैंने उसको कितना मैसेज किया, कितना कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बंदे ने नंबर ही चेंज कर लिया, बंदा कहीं ऑनलाइन ही नहीं दिख रहा। आप कहाँ मांगोगे पैसा और आपके पास ऐसे में आप कहाँ, नहीं हो पाता यार, हम कहाँ भागेंगे उसके पीछे। लाइफ में कभी मिला तो शायद वो मुझसे आँख ना मिला पाए, लेकिन अपनी माँ को लेकर जब उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला तो आई वॉज शॉक्ड कि अपनी मदर को लेकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार।
मतलब उसकी मदर को लेके मुझे जेन्युइनली लगा कि नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा बंदा। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो उधार लेने के लिए कुछ भी बोलता था, आई वॉज शॉक्ड कि ऐसे लोग भी लाइफ में एक्सपीरियंस कराने के लिए आपको मिलते हैं। और दूसरी एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब एक मेरा जूनियर था ऑफिस में, उसने मेरे से बोला मैम, एक्चुअली उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, तो मैं भी उसने मुझसे बोला मैम मुझे प्लीज़ अर्जेंटली फ़ोन लेना है, फ़ोन के बिना लाइफ में बहुत सारे काम जो हैं स्टक हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे 10,000 rupees एज अ लोन दे दो, मैं आपको 2,000 अपने इंस्टॉलमेंट में आपको अपनी सैलरी में से देता रहूँगा। देन आई सेड ओके कोई बात नहीं, आप ले लो मुझे 2,000 अपने सैलरी में से देते रहना, बिकॉज सैलरी मैं ही बांटती थी, मैं ही उन लोगों को देती थी, तो मुझे लगा मैं ही कट करके उसको देते रहूँगी। उसके बाद क्या हुआ, जब अचानक से कोरोना आ गया और शटडाउन हो गया सब कुछ, शटडाउन हुआ तो सब लोग ही अपने घर बैठ गए थे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने उसकी फर्स्ट सैलरी में से उस टाइम वहीं ऑफिस में ही काट ली थी बिफोर कोरोना। लेकिन जब कोरोना ख़त्म हुआ, सब कुछ हो गया, बंदा जॉब भी कर रहा है अच्छा खासा, 2 साल बीत गए, मुझे लगा शायद खुद की श्रद्धा से बोलेगा मैम आप ले लो, वो मुझे टच में भी है, सब कुछ है, मैं ही आगे से एक्चुअली टच में हो रही, पूछ रही थी सब कुछ, तो मुझे जेन्युइनली लगा कि बंदा अब बोलेगा शायद कि मैम मैं आपको इंस्टॉलमेंट भेज दूँ, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दूँ। फिर जो एक दो मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा यार बंदा पैसे नहीं दे रहा है, मतलब मैं आगे से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना, मतलब उसको इतना सैलरी भी नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ शर्म के मारे, और ये बंदा की श्रद्धा ही नहीं हो रही देने की, बोल ही नहीं रहा कुछ, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, अच्छी खासी जॉब कर रहा है बंदा। देन एक बार मैंने खुद ही मैसेज किया और मैंने बोला, मैंने कहा आप मुझे पैसे रिटर्न नहीं करेंगे भाई, और मेरे हस्बैंड को भी पता है आप थोड़ा थोड़ा मुझे जैसे भी हो आप अपनी श्रद्धा से दे दो, बेशक आप इंस्टॉलमेंट में दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम मैं दूंगा आपको, ये है वो है, बंदे ने फिर रिप्लाई नहीं किया, फिर फॉलो नहीं करा, अभी भी मेरी इंस्टॉलमेंट उसकी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है देने की। तो मैंने ये सोचा, मन का नहीं यार छोड़ अब छोड़, लेकिन मैं अब मतलब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, ये दो लोगों ने जो एक्सपीरियंस दिया ना, ये लाइफ टाइम मुझे मतलब थर्ड पर्सन पे भरोसा करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे माइंड में क्लिक होगा, पैसा आएगा नहीं। लेकिन अब जब किसी को मुझे उधार देना है तो वो कंडीशन वही होगी कि मैं या तो ये सोच के दूंगी कि मेरा रिटर्न नहीं आएगा, ये मेरा कर्म है और मुझे कर देना है, रिटर्न आया तो मेरा आ जाएगा, नहीं आया तो मेरा शायद कुछ। हम जैसे लोगों का ना सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये होता है कि अगर हमसे कोई उधार मांग रहा है ना, तो जेन्युइनली हम दिल से मतलब स्ट्रांगली मना ही नहीं कर पाते। मैंने बहुत स्ट्रांग लोग भी देखे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और आपके फेस पे मना कर देंगे कि जी मैं उधार नहीं देता या मैं उधार नहीं देती। लेकिन हम जैसे लोग भी हैं जो हम उधार चाहकर भी मना नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम शर्मिंदगी फेस करके कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करेंगे नहीं यार जितना भी हो रहा है दे दो। लेकिन प्लीज़ अगर आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप चाहे बेशक लेट हो गया है लेकिन जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके ही सही। कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि हम जेन्युइनली किसी का पैसा रिटर्न करने लायक नहीं होते, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में देने लायक हैं लेकिन नीयत देने वाली नहीं है। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही थी। और अगर आपने भी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किया ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।